मजा आया। ओके ओबी 38 अपडेट आने के बाद वीडियो में बस एक ही कमेंट आ रहा था, भाई अफ्टर अपडेट बेस्ड सेंसिटिविटी सेटिंग्स का वीडियो अपलोड करो, पहले जैसा हेडशॉट एंड ऑन टैप नहीं लग रहा है। सो फाइनली आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ ओबी 38 अपडेट बेस्ड सेंसिटिविटी सेटिंग। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो देखो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अफ्टर अपडेट बेस्ड सेंसिटिविटी सेटिंग्स तो बताऊंगा, बस आप लोगों को क्या करना है वीडियो पूरा एंड तक देखना है, ठीक है? अच्छा। और मैं जो जो सेंसिटिविटी सेटिंग्स बताऊंगा ना, आप लोग एक बार रख के गेम खेलोगे तो ओपोनेंट एनिमी को बहुत ही इजीली हेडशॉट एंड ऑन टैप लगा पाओगे, और ये सेंसिटिविटी एनी डिवाइस एंड एनी गन्स पर वर्क करेगा। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, ध्यान से देखो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो भी चैनल में पहली बार आ रहे हो ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले हम लोग जनरल सेंसिटिविटी से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो जनरल सेंसिटिविटी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो आप लोग इजिली हेडशॉट लगाना चाहते हो, फर्स्ट ऑन टैप लगाना चाहते हो, सुपर फर्स्ट मूवमेंट करना चाहते हो, ये सब कुछ डिपेंड करते हैं जनरल सेंसिटिविटी के ऊपर। तो आपको तगड़ा हेडशॉट एंड ऑन टैप मारने के लिए अपना जनरल सेंसिटिविटी को कितना रखना है, पहले स्टार्ट करते हैं लो एंड डिवाइस से। जिनका फोन का रैम है 2GB से लेकर 4GB, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा अपना जनरल सेंसिटिविटी को 100 ही रखना, क्योंकि आप लोगों के पास जो फोन है वो फोन का सेंसिटिविटी एक तो पहले से ही कम रहता है, उसके बाद आप लोग जनरल सेंसिटिविटी को 100 से कम रखोगे तो आप लोग जब भी ड्रैग करोगे आप लोगों का एम एनिमी के चेस्ट पे जाके लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जितना भी कोशिश करोगे, जितना भी जोर से ड्रैग करोगे, आप लोगों का फायर एनिमी के हेड तक पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए आप लोगों को गेम का सेंसिटिविटी हाई ही रखना है। आप अपना जनरल सेंसिटिविटी को 100 पर रखते हो, आप लोग जब भी ड्रैग करोगे आप लोगों का फायर एनिमी के बॉडी पे जाके नहीं चिपकेगा, आपका तगड़ा हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। अभी बात करते हैं जिनका हाई एंड का फोन है 6GB 8GB एंड 12GB। देखो आप लोगों को जनरल सेंसिटिविटी 100 नहीं रखना है, पहले से ही आप लोगों का फोन का सेंसिटिविटी एक तो हाई होता है, उसके बाद गेम का सेंसिटिविटी को 100 कर लेते हो। आप लोग जब भी एनिमी को हेडशॉट मारने जाते हो, हाई सेंसिटिविटी की वजह से आप लोगों का फायर एनिमी के हेड के ऊपर से निकल जाता है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा अपना जनरल सेंसिटिविटी को 80 से 95 के बीच में रखना। अभी बात करते हैं आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी को कितना रखना है। देखो आप लोगों का रेड डॉट सेंसिटिविटी हाई होगा तो आप लोग स्कोप ओपन करने के बाद इधर से उधर सुपर फास्ट मूव कर पाओगे और ओपोनेंट एनिमी को इजिली एमलॉक करके सुपर फास्ट हेडशॉट एंड ऑन टैप लगा पाओगे। जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड पर देख ही पा रहे हो, आपके पास लो एंड का फोन है या हाई एंड का फोन है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों को रेड डॉट सेंसिटिविटी 100 ही रखना है। अभी बात करते हैं आप लोगों को टूस्कोप सेंसिटिविटी को कितना रखना है। जो जो प्लेयर्स 2GB 3GB 4GB रैम के फोन में गेम खेलते हो, आप लोगों को टूस्कोप सेंसिटिविटी 100 ही रखना है, और जो जो प्लेयर्स 6GB 8GB एंड 12GB रैम के फोन में गेम खेलते हो आप लोगों को टूस्कोप सेंसिटिविटी रखना है 95। और ये जो फोरस्कोप सेंसिटिविटी है, आप लोगों के पास लो एंड का फोन है या हाई एंड का फोन है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फोरस्कोप को बस 98 रखना। नेक्स्ट सेंसिटिविटी है स्नाइपर स्कोप। तो सबसे पहले जो जो प्लेयर्स लो एंड के फोन में गेम खेलते हो आप लोगों को स्नाइपर स्कोप 50 रखना है, और जो जो प्लेयर्स हाई एंड के फोन में गेम खेलते हो आप लोगों को स्नाइपर स्कोप रखना है 35। लास्ट सेटिंग है फ्री लुक। आप लोगों के पास लो एंड का फोन है तो आप लोग फ्री लुक को 70 से 80 के बीच में रखना, और आप लोगों के पास हाई एंड का फोन है तो आप लोग फ्री लुक को 50 रखना। तो ये जो जो सेंसिटिविटी सेटिंग्स बताया, आप लोग एक बार रख के गेम खेलो, बहुत ही इजीली एनिमी को हेडशॉट एंड ऑन टैप लगा पाओगे, सुपर फास्ट मूवमेंट कर पाओगे। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।